नमस्कार देवी और सज्जनों, विकसित भारत को समर्पित 16वें सिविल सेवा दिवस के इस भव्य और विशिष्ट आयोजन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है देश के यशस्वी दूरदृष्टा प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। आज सिविल सेवा दिवस के माध्यम से हमारे देश के उत्कृष्ट सिविल सेवकों को पहचान मिल रही है, सम्मान मिल रहा है और सबसे बड़ी बात, इसके माध्यम से व्यवस्था के प्रति आम नागरिकों के मन में जो भरोसा पैदा हुआ है, इस सब के प्रेरणा स्रोत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामयी उपस्थिति से आज हम सब पुनः अभिभूत हैं। आइए एक बार करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन करें, वंदन करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। इस अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री कार्मिक लोक शिकायत पेंशन और प्रधानमंत्री कार्यालय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के सलाहकार डॉक्टर पी के मिश्रा जी, माननीय कैबिनेट सचिव श्री राजीव गौबा जी, भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव श्री वी श्रीनिवास जी और आप सभी का देवियों सज्जनों हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं निवेदन करूंगा माननीय कैबिनेट सचिव श्री राजीव गौबा जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय और आप सभी का स्वागत करने के लिए पधारें स्वागत संबोधन के साथ। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पी के मिश्र, केंद्र और राज्य सरकारों के सभी साथी अधिकारीगण, सभी उपस्थित महानुभाव, सिविल सर्विसेज डे समारोह में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित होने की कृपा की है। महोदय, आपकी उपस्थिति सदैव हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायी नेतृत्व में पिछले वर्षों में हुए सस्टेन्ड एवं डीप गवर्नेंस रिफॉर्म्स, पब्लिक सर्विस डिलीवरी में टेक्नोलॉजी के व्यापक स्तर पर उपयोग और जन कल्याणकारी योजनाओं में अपनाई गई सैचुरेशन कवरेज की अप्रोच, इनके परिणाम आज देश के नागरिकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के रूप में देखे जा रहे हैं। राष्ट्र निर्माण के कार्य में पॉलिसीज और स्कीम्स के लिए परामर्श उपलब्ध कराने से लेकर फील्ड में इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन तक सिविल सर्वेंट्स निरंतर अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। मैं आज इस अवसर पर सभी साथियों का इन सामूहिक प्रयासों के लिए अभिनंदन करता हूं। सिविल सर्विसेज डे हमारे लिए नागरिकों की सेवा और राष्ट्र निर्माण के प्रति स्वयं को रीडेडिकेट करने का अवसर है। हमें अपने आप को पहले से अधिक प्रोडक्टिव बनाने, रिजल्ट ओरिएंटेड बनने और सिविल सर्वेंट्स से जिन हाई स्टैंडर्ड्स और मूल्यों की अपेक्षा की जाती है उनके अनुरूप आचरण करने और कार्य करने का संकल्प लेने का अवसर है। अमृतकाल में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री जी के आह्वान के अनुरूप इस वर्ष सिविल सर्विस डे की थीम रखी गई है, विकसित भारत, एम्पावरिंग सिटीजन्स एंड रीचिंग द लास्ट माइल। कल 2 प्लीनरी सेशंस में और 4 ब्रेकअवे सेशंस में इस थीम पर गहन चर्चा की गई है, जो हमारे प्रयासों को और अधिक कारगर बनाने में सहायक होगी। मैं इस अवसर पर इस वर्ष के प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड्स पाने वाले सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं। देश के नागरिकों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आपके इनिशिएटिव्स और इनोवेशंस सराहनीय हैं। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के अनुरूप इन इनोवेशंस और गुड प्रैक्टिसेस को इंस्टीट्यूशनलाइज करने और इन्हें एक स्थान पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि इन्हें अन्य राज्यों और यूटीज में, अन्य जिलों में आसानी से अडॉप्ट किया जा सके। प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड्स की प्रक्रिया को निकट से देखने के कारण मुझे देश के विभिन्न राज्यों और जिलों में सिविल सर्वेंट्स के द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों को जानने का सुअवसर मिला है। मैं उन सभी अधिकारियों की भी प्रशंसा करना चाहूँगा जिन्होंने इसमें भाग लिया किंतु वे अंतिम सूची में नहीं आ पाए। उनके इनिशिएटिव्स भी
हाई क्वालिटी के थे और जनोपयोगी हैं। सिविल सेवा में हमारे अधिकांश कार्य लाइमलाइट से हटकर होते हैं, जिनके लिए किसी अवार्ड से रिकॉग्निशन की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। अंत में मैं यहाँ उपस्थित और देश भर में वेबकास्ट के माध्यम से जुड़े सभी सिविल सर्वेंट्स, जिनमें बड़ी संख्या में सभी सेवाओं के युवा अधिकारी भी हैं, को अपनी उपस्थिति से प्रेरित करने और बहुमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए पुनः प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी विकसित भारत के उनके स्वप्न को पूरा करने की दिशा में नई ऊर्जा के साथ और समर्पण की भावना से कार्य करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय कैबिनेट सचिव महोदय का। मैं अब निवेदन करूंगा माननीय केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत पेंशन और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सर्वप्रथम आपका आभार। अपने बहुमूल्य समय में से कुछ एक क्षण निकालकर आप हमारे बीच में हैं और हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, गत 9 वर्षों में आपके नेतृत्व में प्रशासन को लेकर के अनेकों महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, अनेकों क्रांतिकारी सुधार भी हुए, जो मात्र गवर्नेंस रिफॉर्म्स तक ही सीमित नहीं रहे बल्कि सामाजिक जीवन पर उनका दूरगामी प्रभाव भी पड़ा। कहा जा सकता है कि वो सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी थे। उदाहरण के तौर पर सन 2014 में सरकार बनने के तुरंत बाद आपने एक आदेश जारी किया, अंग्रेजों के समय से चली आ रही कुरीति को समाप्त करते हुए गेस्टेड अफसरों से दस्तावेज अटेस्ट करवाने के बजाय सेल्फ अटेस्टेशन की इजाज़त दी, और देश भर में ये संदेश गया कि आपके नेतृत्व में एक ऐसी सरकार ने बागडोर संभाली है जिसमें इतनी क्षमता है कि अपने देशवासियों पर विश्वास कर सके। फिर कुछ ही महीने बाद लाल किले से आपने आह्वान किया, क्या ये संभव है कि इंटरव्यू की प्रथा समाप्त करके सरकारी नियुक्तियों में होने वाले पक्षपात की गुंजाइश समाप्त कर दी जाए। इसी मंत्रालय ने उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया और इंटरव्यू की प्रथा समाप्त करके हर उम्मीदवार के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध करवाया, उसकी सामाजिक अथवा आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी क्यों ना रही हो। इसी लेवल प्लेइंग फील्ड अप्रोच को आगे बढ़ाते हुए अभी कुछ ही दिन पहले इसी मंत्रालय ने एक और निर्णय लिया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा की जा रही नियुक्तियों के लिए अब लिखित परीक्षा 15 भाषाओं में होगी, 13 क्षेत्रीय और उसके अतिरिक्त अंग्रेजी एवं हिंदी। यदि ईज ऑफ गवर्नेंस का अर्थ है ईज ऑफ लिविंग, तो बहुत से ऐसे नियम जो आम नागरिक के जीवन में दुविधा पैदा कर रहे थे या वक्त गुजरने के साथ अपना औचित्य खो बैठे थे, उनको समाप्त कर दिया गया। प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, जवाबदेही बढ़ाने के लिए आपने ई गवर्नेंस को बल दिया। उसका परिणाम ये कि आज 80% से अधिक भारत सरकार में कामकाज ऑनलाइन हो रहा है, और उसका एक सुखद परिणाम यह भी निकला कि कोविड के दौरान एक दिन भी हमारे कामकाज में बाधा नहीं रहा। आपने हमें समझाया कि गुड गवर्नेंस के लिए अनिवार्य है गुड ग्रीवेंस रिड्रेसल। इसी विभाग ने सीपी ग्राम इंट्रोड्यूस किया है, उसका परिणाम यह निकला है कि 2014 से पहले जब पूरे देश में पूरे वर्ष भर में केवल 2 लाख ग्रीवेंसेस दर्ज हुआ करती थी, आज उसकी संख्या बढ़कर के 20 लाख हो गई है। क्योंकि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव एंड वी हैव फॉलोड टाइमलाइन। प्रधानमंत्री जी, ये वही विभाग है प्रशासनिक सुधार एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, जिसको पिछले वर्ष आपने स्वच्छता 2.0 की जिम्मेदारी दी थी। मात्र एक महीने के भीतर लगभग 90 लाख स्क्वेयर फीट सरकारी स्पेस खाली करवा दी गई जो जंक से भरी पड़ी थी, और इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप इत्यादि को मार्केट में फरोख्त करके 370 करोड़ से अधिक राशि सरकारी खजाने में जमा करवाई गई।
प्रधानमंत्री जी, आपने एक बार कहा था क्या भारत सरकार दिल्ली से बाहर भी जाती है या जा सकती है। उसी बात पर गंभीरता से अमल करते हुए इसी विभाग ने क्षेत्रीय गोष्ठियों का एक क्रम प्रारंभ किया है, रीजनल कॉन्फ्रेंसेज इन गुड गवर्नेंस। उत्तर में लेह श्रीनगर जम्मू से लेकर के दक्षिण में हैदराबाद बंगलुरु तक, पूर्व में भुवनेश्वर तक, पश्चिम में मुंबई तक और पूर्वोत्तर में ईटानगर शिलांग तक इस प्रकार की गोष्ठियाँ अभी तक आयोजित हो चुकी हैं। और आज का ये समारोह जिस स्वरूप में आयोजित किया जा रहा है, ये नया स्वरूप भी आप ही की प्रेरणा से है। सन 2014 से पहले ये मात्र एक दिवसीय कार्यक्रम रहा करता था, वो भी मोर और लेस सेरिमोनियल। और इन पुरस्कारों का मापदंड अधिकतर इंडिविजुअल प्रोफाइल ऑफ ऑफिसर्स या ग्रुप्स रहा था। ये आप ही की नसीहत थी, इसको एक व्यापक स्वरूप दिया गया, एक जिलों के बीच स्पर्धा की व्यवस्था की गई और इसका नतीजा यह है कि आज की इस प्रतियोगिता में भी देश के 97% जिले भाग ले रहे हैं। इस प्रकार का उत्साह इससे जागृत हुआ है और साथ ही साथ जो फ्लैगशिप योजनाएं निर्धारित की गई इस प्रतियोगिता के लिए वो सुचारू रूप से धरती पर उतरी भी हैं। बात समाप्त करने से पहले ये बताते हुए खुशी है कि इसी विभाग ने, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज ने, अब विजन 2047 पर काम करना प्रारंभ किया है। सन 2047 कैसा होगा इसकी कल्पना करना बहुत कठिन है। उस समय सिविल सर्वेंट का क्या रोल रहेगा, कैसा रोल रहेगा, कितना रोल रहेगा, टेक्नोलॉजी एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना हस्तक्षेप इंटरफेस होगा, उसके लिए इंडेक्सेस निर्धारित करने की एक्सरसाइज प्रारंभ कर दी गई है ताकि आने वाले 25 वर्षों में हमारे युवा अधिकारी किस प्रकार से अपनी क्षमता निर्माण कर सके और देश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में अपने आप को समर्पित कर सके, ताकि आज से 25 वर्ष बाद जब आज़ाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाए तो शताब्दी भारत के उत्सव मनाते समय ये अधिकारी ये संतोष महसूस करें कि उन्होंने अपनी भरपूर क्षमता, प्रतिभा एवं योग्यता के साथ आपके न्यू इंडिया के निर्माण में कुशलतापूर्वक अपनी भूमिका निभाई है। हम सब आपको सुनने के लिए मुंतजिर हैं, इसलिए मुझे अपनी बात समाप्त करनी है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का। दिव्य सज्जनों, सिविल सेवा दिवस के इस आयोजन में आज 15 सर्वश्रेष्ठ ऐसे प्रयासों को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने लोक प्रशासन के क्षेत्र में एक प्रतिमान, एक बेंचमार्क स्थापित किया है। इन पुरस्कृत होने वाली ऐसी इनिशिएटिव्स पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म हमने तैयार की है, आइए देखें और जानें ऐसे उत्कृष्ट प्रयासों को इस शॉर्ट फिल्म के माध्यम से। भारत, जहां सपने जैसा सच और इसी सच के सम्मान का उत्सव है। Prime Minister Awards for Excellence in Public Administration. सिविल सर्विस का सबसे बड़ा काम ये कभी भी हमारे लक्ष्य ओझल नहीं होना चाहिए। हमारे हर काम में कसूर एक होनी चाहिए, इंडिया फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। मेरा राष्ट्र सर्वोपरि, परिवर्तन लाने का सामर्थ्य देश में है और सिर्फ हमें विश्वास लेके जी रहे ऐसा नहीं, दुनिया बहुत बड़ी आशा के साथ हमारी तरफ देख रही है। तब हमारा कर्तव्य बनता है, उस कर्तव्य की पूर्ति के लिए हम अपने आप को सज्ज करें। भारत, जहां पंक्ति की आखिर में खड़े की आंखों में अब तरक्की के सपनों का बसेरा होता है। मुश्किलें होती हैं पर उसे अब सच करने का हौसला होता है। क्या ये हम भी कर सकते हैं? क्या ये हम भी कभी कर पाएंगे? क्या हम इतने पीछे से कभी सामने भी आ पाएंगे? इतिहास है अब सवाल ऐसे, जवाब दे रही है नई उड़ान, नई पहचान, नया वर्तमान, नए नए कीर्तिमान। कभी अपने आंगन में पानी का बहना भी सपनों की लिस्ट में अव्वल हुआ करता था। आप जो है हमारे पानी से हमको भरपूर मिल रहा है, हमारे यहाँ घर में गंगा बह रही है।
आज बेवजह प्यास की कहानी पुरानी हो चुकी है। पानी के सपने नलों से निकलकर सच हो गए हैं। जल जीवन मिशन की वजह से अब टैप का पानी भी मेरे परिवार के लिए सुरक्षित है। सेहत, जिसकी सुरक्षा जेब के सामने अक्सर छोटी पड़ जाती थी। मुझे अपनी गर्भावस्था के दौरान सभी मुफ्त सेवाएं मिली। अब उन्हें भी निरोग रहने की समानता का मौका मिल रहा है। आयुष्मान भारत की वजह से अब मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। क्या हमारे बच्चे भी वो सब कुछ कर पाएंगे जिसे दर्जे ने हमसे दूर रखा था? क्या वो भी अपनी मर्जी की ऊंचाई छू पाएंगे? जो प्राइवेट विद्यालयों में फैसिलिटी है, वो सारी फैसिलिटियां हमारे इस गांव के विद्यालय में उपलब्ध है। ऐसे कई सवाल जो मन के ब्लैक बोर्ड पर कब से लिखे थे, उसे नई नीतियों ने सदा के लिए मिटा दिया और उनकी जगह नई सोच की नई लौ जला दी। जब हम बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो हमारे गांव के स्कूल पर हमें गर्व होता है। इस नई रोशनी में जो दिख रहा है वो कभी सपना ही तो हुआ करता था, जिसे अब रचने की, सच करने के नए नए रास्ते मिल गए हैं। ये नए नए तरीकों से नए नए आयाम तय करना। अब हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद मैं अपना फ्यूचर बना सकता हूँ, सही से काम कर सकता हूँ। नई नई बुलंदियों पे पहली दफा पांव रखना। मिशन यूथ की वजह से ही जम्मू एंड कश्मीर के 1000 युवा वो आज किसी न किसी रेपुटेड इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। पहली दफा इनोवेशन का रेवोल्यूशन बनना और भविष्य की हर चुनौती का सलूशन ढूंढना। रामपुर में बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। ये सब सपना ही तो था जो कैद था सोच की शिथिलता में। जो औरतें जो हाथ भट्टी में काम करती थी वो अभी सम्मान के साथ ये काम कर रही है। अब आजाद है, गतिमान है। यहाँ पे आने की वजह से हम VR के जरिए पूरी दुनिया देख पाते हैं। संकल्प की सिद्धि में, समग्र समृद्धि में अपने डिस्ट्रिक्ट बारामूला को देश का नंबर वन डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे। जन चेतना की नई जागृति में, प्रगति की नई संस्कृति में। जो लड्डू हम आज बना रहे हैं वो हम बच्चों के लिए एनीमिया और मैलन्यूट्रिशन से फाइट करने के लिए कर रहे हैं। जो रच रहा है अमृत काल का आकार और कह रहा है विश्व से, हम सब हैं भारत, जहां हर सपना होता है सच। बहुत आभार आपके इस प्रोत्साहन के लिए देवियों सचरों। सुशासन यानी गुड गवर्नेंस के लिए
प्रायोरिटी प्रोग्राम्स की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको लेकर एक ई कॉफी टेबल बुक तैयार की गई है। प्रधानमंत्री महोदय से हम निवेदन करेंगे अपने करकमलों से रिमोट का बटन दबाकर इस ई कॉफी टेबल बुक का विमोचन करने की कृपा करें। सुशासन के क्षेत्र में ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो इनोवेटिव यानी जो नवाचार के रूप में हैं उनका विवरण भी संकलित करके एक आकर्षक ई कॉफी टेबल बुक का रूप दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से पुनः निवेदन है रिमोट का बटन दबाकर इस ई कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन करने की कृपा करें। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। देव सज्जनों, अब समय है लोक प्रशासन में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 प्रदान किए जाने का। इसके अंतर्गत अलग अलग वर्गों में कुल 15 पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन है मंच के अग्रभाग में पधारकर अपने करकमलों से ये पुरस्कार प्रदान करने की कृपा करें। मंचासीन माननीय मंत्री जी और अन्य विभूतियों से भी निवेदन है इस अवसर पर उनकी उपस्थिति के लिए। देवी सज्जनों, इन पुरस्कारों में इनोवेशन यानी नवाचार के अंतर्गत सेंट्रल लेवल कैटेगरी में 2 पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। इनमें पहला पुरस्कार है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के नेशनल कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम को। कोरोना जैसी महामारी की विशाल काय चुनौती, लेकिन एक ही प्रण हो सबका टीकाकरण। और फिर लिखी गई 220 करोड़ टीकाकरण की अद्भुत और अकल्पनीय गाथा। पूरा देश इस मुहिम से जुड़ा। एक दिन में 2.51 करोड़ टीके लगाकर बना रिकॉर्ड। वैक्सीनेशन की अभूतपूर्व कहानी लिखने और इस अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए टीम को शुभकामनाएं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की ओर से ये पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं सचिव श्री राजेश भूषण। ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र माननीय प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से। इस वर्ग में दूसरा पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान को। गतिशक्ति ने आर्थिक विकास और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के मायने ही बदल दिए। इसने सामान और लोगों की निर्बाध आवाजाही को सुनिश्चित कर उनका जीवन तो आसान बनाया ही है। ये विकसित भारत विजन 2047 के अनुरूप नेक्स्ट जेनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ट्रांसफॉर्मेशनल कदम है। इकोनॉमिक्स नोड्स के लिए सीमलेस मल्टी मॉडल एंड लास्ट माइल कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करती टीम को शुभकामनाएं। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की ओर से ये पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं DPIIT के सचिव श्री अनुराग जैन। इनोवेशन के ही अंतर्गत स्टेट लेवल इनिशिएटिव्स में 2 पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। इनमें पहला पुरस्कार है जम्मू कश्मीर के मिशन यूथ के लिए। जम्मू कश्मीर मिशन यूथ के द्वारा युवाओं को कर रहा है सशक्त। एजुकेशन एंड करियर काउंसलिंग, मार्केट ड्रिवन स्किलिंग, लाइवलीहुड जेनरेशन स्कीम्स और सोशल एंगेजमेंट यूथ वॉलंटियर जैसे प्रोग्राम्स ने युवाओं को दिए हैं मजबूत पंख। युवाओं के सपनों को नई ऊंचाई देने के लिए टीम को शुभकामनाएं।
मिशन यूथ के लिए जम्मू कश्मीर की ओर से ये पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं वहां के मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार मेहता। देवेश सज्जनों, स्टेट कैटेगरी में दूसरा पुरस्कार है गुजरात के स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन यानी सोटो को। गुजरात में स्थित स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन यानी सोटो जीवन सुरक्षा कवच बनकर लाया है कई चेहरों पर मुस्कान। ये अंगदान से जुड़ी प्रक्रिया और जानकारी को सुलभ बनाकर बेस्ट ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर का काम कर रहा है। इसके माध्यम से पीएम जय स्कीम के अंतर्गत 1194 प्रत्यारोपण और स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत 250 प्लस पीडियाट्रिक ट्रांसप्लांटेशन हुए हैं। अंगदान द्वारा जीवन दान की राह आसान करने के लिए टीम को शुभकामनाएं। सोटो गुजरात की ओर से ये पुरस्कार प्राप्त कर रही है वहां के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और कमिश्नर हेल्थ श्रीमती शहमीणा हुसैन। इनोवेशन के अंतर्गत तीसरी कैटेगरी है डिस्ट्रिक्ट लेवल इनिशिएटिव्स की। इसमें कुल 3 पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। पहला पुरस्कार है रामपुर उत्तर प्रदेश के संवर्धन वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव के लिए। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले ने सुपोषित रामपुर की पहल द्वारा कुपोषण पर लगाई अप्रत्याशित रोक। संवर्धन सुपर फूड किट ने आहार से उपचार कर नौनिहालों के जीवन को तो बदला ही, इसके अलावा वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देकर मिलेट उत्पादन से बदल रही है अन्नदाताओं की तकदीर। बच्चों और महिलाओं की सेहत और किसानों की आर्थिक उन्नति को बढ़ावा देने के लिए टीम को शुभकामनाएं। रामपुर उत्तर प्रदेश की ओर से ये पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री रविंद्र कुमार मांडेर। इसी वर्ग में अगला पुरस्कार है शोलापुर महाराष्ट्र के ऑपरेशन परिवर्तन के लिए। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में ऑपरेशन परिवर्तन ने अवैध शराब जैसी गंभीर समस्या पर लगाई रोक। इसमें शामिल एक्शन, काउंसलिंग, रिहैबिलिटेशन और अवेयरनेस जैसी 4 पहलू ने इस काम में शामिल लोगों के जीवन को बदलकर उन्हें सम्मानजनक आजीविका अपनाने के लिए किया प्रेरित। अपनी पहल से अवैध शराब जैसी समस्या से निपटने के लिए टीम को शुभकामनाएं। ऑपरेशन परिवर्तन के लिए जिला शोलापुर महाराष्ट्र की ओर से ये पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं वहां के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस रूरल श्री शिरीष सरदेश पांडे। हार्दिक बधाई इन सभी के लिए। दिव्य सज्जनों, इस वर्ग में तीसरा पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है चांगलांग अरुणाचल प्रदेश के न्यू एज लर्निंग सेंटर को। अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले ने न्यू एज लर्निंग सेंटर यानी NALC के द्वारा लाया है अभूतपूर्व बदलाव। यहां बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ई लर्निंग के माध्यम से एक ही छत के नीचे फ्यूचरिस्टिक लाइब्रेरी, पेंटिंग, फोटोग्राफी, डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग और स्टोरी टेलिंग जैसी सुविधाएं मिलती हैं। NALC द्वारा बच्चों को सिखाने की एक नई पहल के लिए टीम को शुभकामनाएं। न्यू एज लर्निंग सेंटर इनिशिएटिव के लिए जिला चांगलांग अरुणाचल प्रदेश की ओर से ये पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं चांगलांग के डिप्टी कमिश्नर श्री सनी के सिंह। पुरस्कारों की अगली श्रेणी है हर घर जल योजना की। इसके अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देश के 2 जिलों को यहां पुरस्कृत किया जा रहा है। इनमें पहला जिला है तमिलनाडु का कांचीपुरम।
के कांचीपुरम जिले ने हर घर जल अभियान के माध्यम से 100% घरेलू नल कनेक्शन की मंजिल को पा लिया है। आज अश्योर्ड क्वांटिटी और क्वालिटी, प्रिस्क्राइब्ड वाटर क्वालिटी और वाटर सिस्टम और सिक्योरिटी की सस्टेनेबिलिटी ने हर घर शुद्ध जल की पहुंच सुनिश्चित की है। हर घर जल के माध्यम से सुविधा और सेहत दोनों पहुंचाने के लिए टीम को शुभकामनाएं। कांचीपुरम जिले की ओर से ये पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉक्टर एम आरती। इसी वर्ग में देवियों सज्जनों दूसरा जिला है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला हर घर जल मिशन की सफलता का है सबसे बड़ा उदाहरण। 100% घरों में नल कनेक्शन वाला ये पहला जिला है और सभी स्कूलों तक भी है स्वच्छ जल की पहुंच। SHG महिलाओं द्वारा वाटर टैंक्स का संग्रह और प्लम्बर्स को प्रशिक्षण जैसी पहलों द्वारा इस अभूतपूर्व सफलता को अर्जित करने वाली टीम बुरहानपुर को शुभकामनाएं। हर घर जल योजना के लिए जिला बुरहानपुर मध्य प्रदेश की ओर से ये पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं वहां की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीमती भव्या मित्तल। प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार का अगला वर्ग है समग्र शिक्षा का। इस वर्ग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देश के 2 जिलों को यहां पुरस्कृत किया जा रहा है। इनमें पहला जिला है उत्तर प्रदेश का चित्रकूट। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का चित्रकूट जिला, इसने समग्र शिक्षा के माध्यम से विभिन्न पहलों के द्वारा स्कूलों का किया है कायापलट। आज यहाँ है 280 से अधिक स्मार्ट क्लासरूम्स। सभी ब्लॉक के स्कूलों में छात्रों और छात्राओं का बढ़ा है नामांकन। समग्र शिक्षा के माध्यम से शिक्षा की ज्योत जलाने वाली टीम को शुभकामनाएं। चित्रकूट जिले की ओर से ये पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री अभिषेक आनंद। समग्र शिक्षा के अंतर्गत पुरस्कृत होने वाला देश का दूसरा जिला है गुजरात का मेहसाणा। गुजरात का मेहसाणा जिला समग्र शिक्षा के माध्यम से प्रोजेक्ट पाठ के द्वारा पढ़ाई में कमजोर बच्चों को इक्विटेबल और इंक्लूसिव क्लासरूम के द्वारा दे रहा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। साथ ही फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी द्वारा बच्चों की सीखने की क्षमता काफी बढ़ रही है। स्कूली बच्चों की शिक्षा को मनोरंजक बनाने और उनकी प्रतिभा को और भी निखारने के लिए टीम को शुभकामनाएं। मेहसाणा जिले की ओर से ये पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर श्री एम नागराजन। देवी सज्जनों पुरस्कारों का अगला वर्ग है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का। इसके अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देश के 2 जिलों को यहां पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। इनमें पहला जिला है महाराष्ट्र का लातूर। महाराष्ट्र के लातूर जिले में आयुष्मान भारत के अंतर्गत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं की जा रही हैं प्रदान। संजीवनी अभियान के द्वारा कैंसर जैसे रोग के प्रति भी किया जा रहा है जागरूक। वर्ष 2020 से अब तक 51,00,000 से अधिक लोगों ने OPC के माध्यम से उठाया है लाभ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए टीम को शुभकामनाएं। लातूर जिले की ओर से ये पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर श्री पृथ्वीराज BP। इस वर्ग में पुरस्कृत किया जाने वाला देश का दूसरा जिला है आंध्र प्रदेश का अनकापल्ली। आयुष्मान भारत के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य सेवा को जन जन तक पहुंचाने के लिए
576 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के माध्यम से नागरिकों को दिया सेहत का उपहार। ग्राम स्तर पर ही 105 प्रकार की दवाएं, 14 तरह की डायग्नोस्टिक सुविधा हो रही है उपलब्ध। आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के माध्यम से स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े बदलाव लाने के लिए टीम को शुभकामनाएं। जिला अनकापल्ली आंध्र प्रदेश की ओर से ये पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं वहां के डिप्टी कमिश्नर श्री रवि पत्तन शेट्टी। दिव्यसजनों, पुरस्कारों की अगली कैटेगरी है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम की। इसके अंतर्गत देश के दो ऐसे जिलों को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने आकांक्षी जिलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इनमें पहला जिला है जम्मू और कश्मीर का जिला बारामूला। जम्मू कश्मीर के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बारामूला ने लिखी है सफलता की अभूतपूर्व कहानी। कल तक दूध की कमी वाला ये जिला आज मिल्क सरप्लस है। खाद्य तेल, सेब, सब्जी और शहद के उत्पादन में भी इसने छुई है नई ऊंचाई। बच्चों के स्वास्थ्य की पूरी सुरक्षा, मॉडल और स्मार्ट स्कूल अब इसकी नई पहचान है। इस सफलता के लिए टीम को शुभकामनाएं। जिला बारामूला की ओर से ये पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं वहां के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सैयद सहरीश असगर। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला दूसरा जिला है झारखंड का जिला गुमला। झारखंड के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट गुमला ने हर क्षेत्र में लिखी है तरक्की की नई कहानी। परंपरागत धान की खेती से हटकर रागी की खेती ने बदली है किसानी। पढ़ो लिखो अभियान ने शिक्षा के प्रति किया है और भी जागरूक। अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं का बदला है स्वरूप। तरक्की की नित नई ऊंचाई को छूती टीम को शुभकामनाएं। जिला गुमला झारखंड की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं वहां के डिप्टी कमिश्नर श्री सुशांत गौरव। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। वर्ष 2022 के प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार अपने कर कमलों से प्रदान करके हम सबको गौरव की अनुभूति आपने कराई है और आभार सभी विभूतियों का जो इस अवसर पर अपनी उपस्थिति से अवसर को उन्होंने गरिमायुक्त किया। देवे सज्जनों, आभार और बधाई उन सबका भी जिन्हें आज ये सम्मान प्राप्त करने का अवसर मिला है। परिस्थितियां चाहे सामान्य रही हों या असामान्य, हर हाल में हमें हमारी क्षमता का भान कराने, हमारे मन, वचन और कर्म को राष्ट्र प्रथम के साथ जोड़ने का श्रेय माननीय प्रधानमंत्री महोदय को जाता है। महोदय का ये कथन हर सिविल सर्वेंट के लिए एक मंत्र है कि व्यवस्थाएं जीवंत होनी चाहिए, व्यवस्थाएं डायनामिक होनी चाहिए। ऐसे दूरदृष्टा नेतृत्व को एक बार पुनः नमन करते हुए मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे इस अवसर पर अपने प्रेरक संबोधन से हम सबका मार्गदर्शन करने की कृपा करें। देवी सज्जनों, आप सबकी करतल ध्वनि के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय। मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, श्री पी के मिश्रा जी, श्री राजीव गोबा जी, श्री श्रीनिवासन जी और इस कार्यक्रम में जुड़े सभी कर्मियों की साथियों, देवी और सज्जनों, आप सभी को सिविल सेवा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल का सिविल सर्विस डे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसा समय है जब देश ने
अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। एक ऐसा समय है जब देश ने अगले 25 वर्षों के विराट विशाल लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तेजी से कदम बढ़ाना शुरू किया है। देश को आजादी के इस अमृत काल तक लाने में उन अधिकारियों की बड़ी भूमिका रही जो 15, 20, 25 साल पहले इस सेवा में आए। अब आजादी के इस अमृत काल में उन युवा अधिकारियों की भूमिका सबसे बड़ी है जो अगले 15, 20, 25 साल इस सेवा में रहने वाले हैं। इसलिए मैं आज भारत के हर सिविल सेवा अधिकारी से यही कहूंगा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बात पे आपको भरोसा होगा। हो सकता है कुछ लोग न भी मानते हो कि वो भाग्यशाली नहीं है, अपनी अपनी सोच, हर किसी को मुबारक। आपको इस कालखंड में देश की सेवा करने का मौका मिला है। आजादी के अमृत काल में देश के स्वाधीनता सेनानियों के सपनों को पूरा करने का दायित्व हम सभी पर है। हमारे पास समय कम है लेकिन सामर्थ्य भरपूर है। हमारे लक्ष्य कठिन है लेकिन हौसला कम नहीं है। हमें पहाड़ जैसी ऊंचाई भले चढ़नी है लेकिन इरादे आसमान से भी ऊंचे, ज्यादा ऊंचे हैं। पिछले 9 वर्षों में भारत आज जहां पहुंचा है उसने हमारे देश को बहुत ऊंची छलांग के लिए तैयार कर दिया है। मैं अक्सर कहता हूं कि देश में ब्यूरोक्रेसी वही है, अधिकारी कर्मचारी वही है लेकिन परिणाम बदल गए हैं। पिछले 9 वर्षों में भारत अगर विश्व पटल पर एक विशिष्ट भूमिका में आया है तो इसमें आप सबका सहयोग बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। पिछले 9 वर्षों में अगर देश के गरीब से गरीब को भी सुशासन का विश्वास मिला है तो इसमें भी आपकी मेहनत ने रंग लाया है। पिछले 9 वर्षों में अगर भारत के विकास को नई गति मिली है तो ये भी आपकी भागीदारी के बिना संभव नहीं था। कोरोना के महासंकट के बावजूद आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज भारत फिनटेक वर्ल्ड में छाया हुआ है। डिजिटल पेमेंट्स के मामले में भारत नंबर 1 है। आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां मोबाइल डेटा सबसे सस्ता है। आज भारत में दुनिया का 3रा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था बहुत बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। 2014 के मुकाबले
आज देश में 10 गुना ज्यादा तेजी से रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, 10 times. 2014 के मुकाबले आज देश में 2 गुनी रफ्तार से नेशनल हाईवेज का निर्माण हो रहा है। 2014 के मुकाबले आज देश के पोर्ट्स में कैपेसिटी ऑगमेंटेशन लगभग 2 गुना हो चुका है। 2014 के मुकाबले आज देश में एयरपोर्ट्स की संख्या भी 2 गुना से ज्यादा हो चुकी है। आज यहां जो पुरस्कार दिए गए हैं वो देश की सफलता में आपकी इसी भागीदारी को प्रमाणित करते हैं, आपके सेवा भाव को परिलक्षित करते हैं। मैं सभी पुरस्कृत साथियों को फिर एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, बीते वर्ष 15 अगस्त को मैंने लाल किले से देश के सामने पंच प्राणों का आह्वान किया है। विकसित भारत के निर्माण का विराट लक्ष्य हो, गुलामी की हर सोच से मुक्ति हो, भारत की विरासत पर गर्व की भावना हो, देश की एकता एकजुटता को निरंतर सशक्त करना हो और अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखना हो, इन पांच प्राणों की प्रेरणा से जो ऊर्जा निकलेगी वो हमारे देश को वो ऊंचाई देगी जिसका वो हमेशा हकदार रहा है। मुझे देखकर भी अच्छा लगा कि आप सभी ने इस वर्ष सिविल सेवा दिवस की थीम का भी विकसित भारत रखी है। विकसित भारत के निर्माण के पीछे क्या सोच है, ये उस पुस्तक में भी झलकता है जिसका अभी विमोचन हुआ है। विकसित भारत सिर्फ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर या आधुनिक निर्माण तक सीमित नहीं है। विकसित भारत के लिए आवश्यक है भारत का सरकारी सिस्टम हर देशवासी की आकांक्षाओं को सपोर्ट करे। विकसित भारत के लिए आवश्यक है भारत का हर सरकारी कर्मचारी देशवासियों के सपनों को सच करने में उनकी मदद करे। विकसित भारत के लिए आवश्यक है भारत में सिस्टम के साथ जो नेगेटिविटी बीते दशकों में जुड़ी थी वो पॉजिटिविटी में बदले। हमारा सिस्टम देशवासियों के सहायक के रूप में अपनी भूमिका को आगे बढ़ाए। साथियों, आजादी के बाद के दशकों का हमारा अनुभव रहा है, योजनाएं कितनी भी बेहतर हो, कागज पर कितना ही शानदार रोडमैप क्यों ना हो, लेकिन अगर लास्ट माइल डिलीवरी ठीक नहीं होगी तो अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे। आप बड़ी भांति जानते हैं कि पहले के सिस्टम की ही देन थी कि देश में 4 करोड़ से ज्यादा फर्जी गैस कनेक्शन थे। ये पहले की सिस्टम की ही देन थी कि देश में 4 करोड़ से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड थे। ये पहले की सिस्टम की ही देन थी कि देश में 1 करोड़ काल्पनिक महिलाओं और बच्चों को महिला और बाल विकास मंत्रालय की सहायता जा रही थी। ये पहले की सिस्टम ही थी और उसी की देन थी कि अल्पसंख्यक मंत्रालय करीब 30 लाख फर्जी युवाओं को स्कॉलरशिप का लाभ देता रहता था
और ये भी पहले की ही सिस्टम की देन है कि मनरेगा के तहत देश में लाखों ऐसे फर्जी अकाउंटेंट बने, लाखों ऐसे श्रमिकों के पैसे ट्रांसफर किए गए जिनका अस्तित्व ही नहीं था। आप सोचिए, जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ, वो सिर्फ कागजों में ही पैदा हुए, ऐसे लाखों करोड़ों फर्जी नामों की आड़ में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम भ्रष्टाचार में जुटा था। आज देश के प्रयासों से, आप सभी के प्रयासों से ये सिस्टम बदला है। देश के करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं। आप सब इसके लिए अभिनंदन के अधिकारी हैं। आज ये पैसे गरीबों की भलाई के काम आ रहे हैं, उनका जीवन आसान बना रहे हैं। साथियों, जब समय सीमित हो तो यह तय करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारी दिशा क्या होगी, हमारी कार्यशैली क्या होगी। आज चुनौती यह नहीं है कि आप कितने एफिशिएंट हैं, बल्कि चुनौती ये तय करने में है कि जहां जो डेफिशिएंसी है वो कैसे दूर होगी। अगर हमारी दिशा सही होगी तो एफिशिएंसी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर डेफिशिएंसी होगी तो हमें वो परिणाम नहीं मिलेंगे जिसके लिए हम प्रयास कर रहे थे। आप याद करिए, पहले डेफिशिएंसी की आड़ में हर सेक्टर की छोटी से छोटी चीज को कंट्रोल करने के तरीके बनाए जाते थे, लेकिन आज वही डेफिशिएंसी एफिशिएंसी में बदली है। आज वही एफिशिएंसी पॉलिसी से जुड़ी छोटी सी छोटी बाधाओं को पहचान कर रही है ताकि उन्हें हटाया जा सके। पहले ये सोच थी कि सरकार सब कुछ करेगी, लेकिन अब सोच ये है कि सरकार सबके लिए करेगी। अब सरकार सबके लिए काम करने की भावना के साथ टाइम और रिसोर्सेज का एफिशिएंटली उपयोग कर रही है। आज की सरकार का ध्येय है नेशन फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट। आज की सरकार की प्राथमिकता है वंचितों को वरीयता। आज की सरकार एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट तक जा रही है, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स तक जा रही है। आज की सरकार देश के सीमावर्ती गांवों को आखिरी गांव न मानकर उन्हें फर्स्ट विलेज मानते हुए काम कर रही है, वाइब्रेंट विलेज योजना चला रही है। ये बीते वर्षों में हमारी सरकार की बहुत बड़ी पहचान रही है, लेकिन हमें एक और बात हमेशा ध्यान रखनी है। 100% सेचुरेशन के लिए हमें इससे भी अधिक मेहनत की, इनोवेटिव समाधानों की पल पल जरूरत पड़ेगी। अब जैसे डिजिटल इंडिया का इतना व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास उपलब्ध है, इतना बड़ा डेटा सेट हमारे पास है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि हर विभाग अपने अपने हिसाब से वही जानकारी, वही दस्तावेज मांगता है जो पहले से ही किसी न किसी डेटाबेस में मौजूद है।
प्रशासन का बहुत बड़ा समय एनओसी, प्रमाण पत्र, क्लियरेंस इन्हीं सब कामों में चला जाता है। हमें इनके सॉल्यूशन निकालने ही होंगे, तभी ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी, तभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। मैं आपको पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान का भी उदाहरण देना चाहता हूं। इसके तहत हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े डेटा लेयर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसका हमें अधिक से अधिक उपयोग करना है। हमें सोशल सेक्टर में बेहतर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के लिए पीएम गतिशक्ति का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इससे हमें लोगों की जरूरतों को आइडेंटिफाई करने में और एजुकेशन में आने वाली मुश्किलों को दूर करने में मदद मिलेगी ही मिलेगी। इससे डिपार्टमेंट्स के बीच, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक के बीच संवाद और सरल होगा। इससे हमारे लिए आगे की स्ट्रेटजी बनाना भी ज्यादा आसान होगा। साथियों, आजादी का ये अमृतकाल, ये टाइम पीरियड भारत के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए जितने बड़े अवसर लेकर आया है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। इतनी सारी उपलब्धियों के बावजूद, तेज गति से हासिल हुई सफलताओं के बावजूद, मैं इसे चुनौती क्यों कह रहा हूं? और मैं मानता हूं कि इस बात को आपको भी समझना होगा। आज भारत के लोगों के एस्पिरेशंस, उनकी आकांक्षाएं बहुत तेजी से बढ़ रही है। विकसित भारत के लिए, व्यवस्थाओं में बदलाव के लिए अब देशवासी और ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहते। देश के लोगों की इस एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए हम सबको, आपको पूरे सामर्थ्य से जुटना ही होगा। तेजी से निर्णय लेने होंगे, उन निर्णयों को उतनी ही तेजी से लागू करना होगा। और आपको एक और बात का ध्यान अवश्य रखना होगा कि आज, और ये मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, आप भी अनुभव करते होंगे, आज पूरे विश्व भी की भी, पूरे विश्व की भी भारत से अपेक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ये कह रही है कि भारत का समय आ गया है, इंडियाज टाइम हैज अराइव्ड। ऐसी स्थिति में भारत की ब्यूरोक्रेसी को एक भी पल गंवाना नहीं है। आज मैं भारत की ब्यूरोक्रेसी से, भारत के हर सरकारी कर्मचारी से, चाहे वो राज्य सरकार में हो या केंद्र सरकार में, मैं एक आग्रह जरूर करना चाहता हूं। देश ने आप पर बहुत भरोसा किया है, आपको मौका दिया है, उस भरोसे को कायम रखते हुए काम करिए। मैं आपसे अक्सर कहता हूं कि आपकी सर्विस में आपके निर्णयों का आधार सिर्फ और सिर्फ देश हित होना चाहिए। हो सकता है फील्ड में आपको किसी एक व्यक्ति के लिए कोई फैसला लेना हो, किसी एक समूह के लिए कोई फैसला लेना हो, लेकिन तब भी आप ये जरूर सोचें कि मेरे इस निर्णय से, निर्णय भले छोटा क्यों ना हो, मेरे इस निर्णय से देश का क्या भला होगा। यानी आपके लिए कसौटी देश हित ही है। और मैं आज भारत की ब्यूरोक्रेसी के लिए इस कसौटी में एक और बात जोड़ना चाहता हूं। मुझे विश्वास है आप इस कसौटी पर भी खरा उतरेंगे।
साथियों, किसी भी लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का बहुत महत्व होता ही है और यह आवश्यक भी है और ये लोकतंत्र की ब्यूटी है। हर दल की अपनी विचारधारा होती है। संविधान ने हर दल को यह अधिकार दिया है, लेकिन एक ब्यूरोक्रेट के तौर पर, एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर अब आपको अपने हर निर्णय में कुछ सवालों का अवश्य ध्यान रखना ही पड़ेगा। जो राजनीतिक दल सत्ता में आया है वो टैक्स पेयर्स मनी का इस्तेमाल अपने दल के हित के लिए कर रहा है या देश के हित के लिए कर रहा है, उसका उपयोग कहां हो रहा है, ये आप लोगों को देखना ही होगा। दोस्तों, वो राजनीतिक दल अपने दल के विस्तार में सरकारी धन का उपयोग कर रहा है या फिर देश के विकास में उस पैसों का इस्तेमाल कर रहा है। वो राजनीतिक दल अपना वोट बैंक बनाने के लिए सरकारी धन लुटा रहा है या फिर सभी का जीवन आसान बनाने के लिए काम कर रहा है। वो राजनीतिक दल सरकारी पैसे से अपना प्रचार कर रहा है या फिर ईमानदारी से लोगों को जागरूक कर रहा है। वो राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को ही विभिन्न संस्थाओं में नियुक्त कर रहा है या फिर सबको पारदर्शी रूप से नौकरी में आने का अवसर दे रहा है। वो राजनीतिक दल नीतियों में इसलिए तो फेरबदल नहीं कर रहा ताकि उसके आकाओं की काली कमाई के नए रास्ते बने। आप अपने हर फैसले से पहले इन सवालों के बारे में जरूर सोचें। सरदार पटेल जिस ब्यूरोक्रेसी को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा करते थे, उसी ब्यूरोक्रेसी को उनकी अपेक्षाओं पर भी खरा उतरना है, क्योंकि अब अगर ब्यूरोक्रेसी से चूक हुई तो देश का धन लूट जाएगा, टैक्स पेयर्स मनी तबाह हो जाएगा, देश के युवाओं के सपने चकनाचूर हो जाएंगे। साथियों, जो युवा बीते कुछ वर्षों में या पिछले दशक में देश की सिविल सेवा से जुड़े हैं, उन्हें मैं कुछ बातें विशेष तौर पर कहना चाहता हूं। आप भी जानते हैं कि जीवन जीने के दो तरीके होते हैं। पहला, गेटिंग थिंग्स डन, और दूसरा, लेटिंग थिंग्स हैपन। पहला एक्टिव एटीट्यूड है और दूसरा पैसिव एटीट्यूड का प्रतिबिंब है। पहले तरीके से जीने वाले व्यक्ति की सोच होती है कि हाँ, बदलाव आ सकता है। दूसरे तरीके में विश्वास करने वाला व्यक्ति कहता है, ठीक है, रहने दो, सब ऐसे ही चलता है, पहले से भी चलता है, आगे भी चलता रहेगा, वो तो अपने आप हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। गेटिंग थिंग्स डन, ये यकीन रखने वाले आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेते हैं। जब उन्हें टीम में काम करने का अवसर मिलता है तो वो हर काम का ड्राइविंग फोर्स बन जाते हैं। लोगों के जीवन में बदलाव लाने की ऐसी ज्वलंत इच्छा से ही आप एक ऐसी विरासत छोड़ जाएंगे जिसे लोग याद करेंगे। आपको ये भी याद रखना होगा कि एक अफसर के रूप में आपकी सफलता इस बात से नहीं आती जाएगी कि आपने अपने लिए क्या हासिल किया। आपकी सफलता का आकलन इस बात से होगा कि आपके काम से, आपके कैरियर से दूसरों का जीवन कितना बदला है। जिनका जीवन बदलने की जिम्मेदारी आपके पास थी, वे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। इसलिए आपको यह हमेशा याद रखना है, गुड गवर्नेंस इज द की। जब पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस होती है, जब डेवलपमेंट ओरिएंटेड गवर्नेंस होती है, तो वो समस्याओं का समाधान भी करती है और बेहतर रिजल्ट भी देती है। गुड गवर्नेंस में जनता के प्रति जवाबदेही होती है। एक ही राज्य में एक जिला अच्छा परफॉर्म करे और दूसरा न करे
तो इसके पिछले असली वजह गुड गवर्नेंस का अंतर ही होता है। हमारे सामने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का उदाहरण है। हमने जब जोश से भरे देश के युवा अफसरों को वहां नियुक्त किया, उन्हें गुड गवर्नेंस के लिए प्रेरित किया, तो नतीजे भी बेहतरीन आए। आज अनेक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स डेवलपमेंट पैरामीटर्स में देश के दूसरे जिलों से भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। जब आप इस पर फोकस करेंगे, पीपल्स पार्टिसिपेशन पर फोकस करेंगे, तो जनता में भी ओनरशिप का भाव, उसकी भावना और अधिक मजबूत होगी। और जनता जनार्दन किसी भी योजना की ओनरशिप ले लेती है तो अभूतपूर्व नतीजे आना सुनिश्चित हो जाता है। आप स्वच्छ भारत अभियान देख लीजिए, अमृत सरोवर अभियान देख लीजिए, जल जीवन मिशन देख लीजिए। इनकी सफलता का बड़ा आधार जनता द्वारा ली गई ओनरशिप है। साथियों, मुझे बताया गया है कि आप अपने जिले की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक डिस्ट्रिक्ट विजन एट 100 तैयार कर रहे हैं। ऐसा ही विजन पंचायत स्तर तक होना चाहिए। अपनी ग्राम पंचायत, अपने ब्लॉक, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने राज्य में हमें किन सेक्टर्स पर फोकस करना है, इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए कौन कौन से बदलाव करने हैं, हमारे जिले ब्लॉक या पंचायत में कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं या उस स्तर तक ले जा सकते हैं, इनको लेकर एक स्पष्ट विजन हमारे पास होना चाहिए। आप अपने क्षेत्र में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई और स्वयं सहायता समूहों के बीच कड़ियों को जोड़ सकते हैं। आप सभी के लिए लोकल टैलेंट को प्रोत्साहित करना, लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करना, स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देना, मैं समझता हूं कि इस समय की मांग है। साथियों, हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहते हुए मुझे 20 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है। आप में से कई लोग बरसों से मेरे साथ काम कर रहे हैं और मैं तो कहूंगा मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे साथियों के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला है। आप जानते हैं कि मैंने हमेशा कैपेसिटी बिल्डिंग पर कितना जोर दिया है। मुझे खुशी है कि आज आप सब सिविल सर्वेंट के बीच मिशन कर्मयोगी एक बड़ा अभियान बन चुका है। मिशन कर्मयोगी का मकसद है सिविल सर्वेंट्स के फुल पोटेंशियल का उपयोग करना। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन इस अभियान को पूरी मजबूती से आगे बढ़ा रहा है। मेरा यह भी मानना है कि ट्रेनिंग और लर्निंग कुछ महीनों की औपचारिकता बनकर नहीं रहनी चाहिए। इसलिए ट्रेनिंग और लर्निंग से जुड़ा क्वालिटी मटेरियल हर जगह हर समय उपलब्ध हो, इसके लिए आई गॉट प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अब सभी नए रिक्रूट्स को आई गॉट पर कर्मयोगी प्रारंभ के ओरिएंटेशन मॉड्यूल के साथ भी ट्रेन किया जा रहा है। साथियों, बीते वर्षों में सरकार ने ब्यूरोक्रेसी को एक और बंधन से मुक्ति दिलाई है। ये बंधन का प्रोटोकॉल और हायरार्की का बंधन, आप जानते हैं कि हायरार्की के बंधनों को तोड़ने की शुरुआत भी मैंने खुद की है। मैं लगातार सेक्रेटरी से लेकर के असिस्टेंट सेक्रेटरी तक से मिलता हूं, मैं ट्रेनी अफसरों के साथ मुलाकात करता हूं। हमने डिपार्टमेंट के भीतर हर किसी की भागीदारी बढ़ाने के लिए नए आइडियाज के लिए केंद्र सरकार में भी चिंतन शिविर को बढ़ावा दिया है। हमारे प्रयासों से एक और बड़ा बदलाव आया है। पहले वर्षों तक राज्यों में रहने के बाद ही अधिकारियों को डेप्यूटेशन पर केंद्र सरकार में काम करने का अनुभव मिलता था। ये किसी से और किसी ने नहीं सोचा होगा कि अगर इन अधिकारियों के पास केंद्र सरकार में काम का अनुभव ही नहीं होता तो वो केंद्र के प्रोग्राम्स को जमीन पर लागू कैसे करेंगे।
हमने असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोग्राम के जरिए इस गैप को भी भरने का प्रयास किया। अब युवा आईएएस अपने कैरियर की शुरुआत में ही केंद्र सरकार में काम करने का, उनके अनुभव लेने का मौका मिलता है। सीनियर मोस्ट लोगों के साथ उसको कुछ सीखने को मिलता है। हमें इस तरह के इनोवेशंस को आगे बढ़ाना है। इन प्रयासों को परिणामों के लिए और शिखर पर ले जाने के लिए निरंतर कोशिश करनी है। साथियों, विकसित भारत के लिए 25 वर्षों की अमृत यात्रा को देश ने कर्तव्य काल माना है। आजादी की शताब्दी देश की स्वर्ण शताब्दी तब होगी जब हम कर्तव्यों को पहली प्राथमिकता देंगे। कर्तव्य हमारे लिए विकल्प नहीं, संकल्प है। यह समय तेजी से बदलाव का समय है। आपकी भूमिका भी आपके अधिकारों से नहीं, आपके कर्तव्य और उनके पालन से तय होगी। नए भारत में देश के नागरिक की ताकत बड़ी है, भारत की भी ताकत बड़ी है। इस नए उभरते भारत में आपको अहम भूमिका निभाने का अवसर मिला है। आजादी के 100 साल बाद जब इतिहास आकलन करेगा तो आपके पास अवसर है कि उसमें एक प्रमुख नाम आपका भी हो। आप गर्व से यह कहें कि मैंने देश के लिए नई व्यवस्थाओं के सृजन में भूमिका निभाई है, व्यवस्थाओं को सुधारने में बड़ी भूमिका निभाई है। मुझे विश्वास है कि आप सभी राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को विस्तार देते रहेंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग हर पल हमारी कोशिश रहनी चाहिए, खुद के लिए भी, साथियों के लिए भी और व्यवस्था के लिए भी। हमें उत्तरोत्तर नई ऊंचाइयों को पार करने की स्थितियों को प्राप्त करता ही रहना होगा। मुझे विश्वास है कि सिविल सर्विस डे ये वार्षिकी रिचुअल नहीं है, ये सिविल सर्विस डे संकल्पों का समय है। ये सिविल सर्विस डे नए निर्णयों का समय है, निर्णयों को निर्धारित समय में कार्यान्वित करने का उत्साह और ऊर्जा से भरने का अवसर है। इस अवसर से एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा, नई शक्ति, नया सामर्थ्य, नया संकल्प यह लेकर के हम चलेंगे तो जिन सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं उन सिद्धियों को हम खुद छू करके देखेंगे। इसी विश्वास के साथ मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का उनके इस प्रेरक संबोधन के लिए। आभार उनके दूरदृष्टि और उस नेतृत्व के लिए भी जो नए भारत, विकसित भारत के लिए एक मजबूत नींव बनी है, जिस पर देश को गर्व है और जिस पर दुनिया को भरोसा है। हृदय से आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। साथ ही आभार माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, आभार प्रधानमंत्री महोदय के सलाहकार डॉक्टर। तो सिविल सेवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में सिविल सेवकों के कार्यक्रम में शामिल हुए और इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने लोक सेवकों को विशेष रूप से अमृतकाल के दौरान कठिन परिश्रम जारी